हंसिका। मैं एम एच आर मॉडल हाई स्कूल विच पढ़ती हाँ अते बठिंडा शहर विच रहनी हाँ। मैंने शुरू तो ही नचना अते गाउन दा बहुत शौक है। मैं अलग अलग स्टेट विच जाके अलग अलग प्राइज जीत चुकी हाँ। सब तो पहला मैं मिस पंजाबन राउंड 6 दी विनर बनी सी। उस तो बाद मैं एस के पी स्कूल दे स्टार लिटल चैंप शो दी विनर बनी हाँ। उस तो बाद मैं मलोट दी गोल्ड प्राइजी गिद्दे दी गोल्ड प्राइजी विनर रही हाँ। मैं अलग अलग स्टेट विच जाके हर फंक्शन नू विन कीता है। अगे भी होप करदी हाँ कि अगे भी मैं जो भी फंक्शन ते जावां उहनू जीत के आवां। हाथ बटाउनी हाँ अते कई बारी मैं अपनी स्टडी करती हाँ। कई बारी कुछ गेम डांसिंग का कुछ कुछ सोंग लगा के करती हाँ। मैनू अपने ब्रदर नाल लूडो अते मेरी सिस्टर नाल कैरम बोर्ड खेलना भी बहुत अच्छा लगता है। असी तीनों जने बहुत अच्छे रहने हाँ। जो तो मैं कदे फ्री होनी हाँ घर तो उदो मैं टैरिस से जाके अपनी डांस की प्रैक्टिस करती हाँ। मैनू अलग अलग सोंग के डांस करना बहुत अच्छा लगता है। लाइक वेस्टर्न सोंग पंजाबी सोंग एनी जो तो भी साढ़े स्कूल विच कोई फंक्शन हुंदा लाइक एनुअल फंक्शन या कुछ भी फंक्शन हुंदा है मैं हर फंक्शन विच पार्टिसिपेट करती हाँ। और इस बार फंक्शन होया सी मिस तीज दा उस विच भी विन किया। मिस तीज बन के अपना अपने स्कूल का और अपने अपने घर का नाम रोशन किया।
ਮਾਈਸੈਲਫ ਮੁਨੀਸ਼ ਬਾਟਲਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ MHR ਮਾਡਲ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਗਰ ਬਠਿੰਡਾ ਟੂਡੇ ਆਈ ਐਮ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਹੰਸਿਕਾ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਦ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਫ ਸਟੈਂਡਰਡ 10th ਆਫ ਆਰ ਸਕੂਲ ਐਂਡ ਇਟਸ ਦ ਗ੍ਰੇਟ ਮੈਟਰ ਆਫ ਪ੍ਰਾਈਡ ਦੈਟ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਇਨ ਟੋਪ 5 ਇਨ ਕਿਸਮੇ ਕਿਤਨਾ ਹੈ ਦਮ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਟੈਲੈਂਟਿਡ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਓਬੀਡੀਐਂਟ ਵੈਰੀ ਸਿੰਸੀਅਰ ਐਂਡ ਵੈਰੀ ਓਨੈਸਟ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ very brilliant in academics also. I would like to say she is multi-talented girl. She participates in each and every activity of his school. And if I talk of her parents, they are very much cooperative. They are always ready to support her, to bring out her talent. She wins many prizes for school. So I wish her all the success in life. My all the best wishes are with her. Thanks. Thank you very much. Thank you very much. पढ़ते हैं हम लोग वैसे पढ़ेंगे विषय पृथ्वी जन्म तथा माता पिता रणजीत सिंह का जन्म 1780 ईस्वी में गुजरावाला में हुआ था। उसके पिता का नाम महासिंह था जो शुक्रचर्य मिश्र का सरदार था। उसकी माता का नाम राजकौर था। हाँ जी, बड़े करण ने अभी बताया कि महाराजा रणजीत सिंह का जन्म 1780 में गुजरावाला में हुआ था। उनके पिताजी का नाम महासिंह था और वो कौन सी मिसल के सरदार थे? अब उनका बचपन बताएंगे। यशिका आप बताओ बेटे। बचपन में चेकअप के कारण रणजीत सिंह की एक आंख खराब हो गई थी। वह 10 वर्ष की आयु में ही अपने माता के पिता के साथ युद्ध में जाया करता था, इसलिए बहुत छोटी आयु में वह युद्ध विधवा में कुशल हो गई। हाँ जी, आप हमने पढ़ा है बचपन में चेचक के कारण रणजीत सिंह की कौन सी आंख खराब हो गई थी बेटा? वह 10 वर्ष की आयु में अपने माता पिता के साथ युद्ध में जाया करते थे, इसलिए वो बहुत छोटी सी उम्र में या छोटी सी आयु में युद्ध में बड़े कुशल हो गए थे। हंसिका थर्ड आप पढ़। अपनी मृत्यु से पूर्व महासिंह ने पंजाब में अपनी शक्ति काफ़ी बढ़ा ली थी। उसने रणजीत सिंह का विवाह जय सिंह कन्हैया की पोती और रानी सदा कौर की पुत्री महताब कौर के साथ किया। जब उसने शुक्रचर्य मिसल की भागदौड़ संभाली तो वह विवाह संबंध उसकी शक्ति के उत्थान में काफ़ी सहायक युद्ध हुआ। अपनी मृत्यु से पूर्व महासिंह ने पंजाब में अपनी शक्ति काफ़ी बढ़ा ली थी और रणजीत सिंह का विवाह किसके साथ हुआ था बेटा? अभी पढ़ाया हंसिका ने, किसके साथ हुआ? और उनकी सास का नाम क्या था? उनकी बहू। जब उन्होंने शुभचर्य मिसाल की बातों से मानी तो वह विवाह संबंध उनकी शक्ति के उत्थान में काफी सहायक हुआ। उत्थान का मतलब सहायता मिली, ऊंचा उठने में उनको सहायता मिली। फोर्थ। नमस्कार जी, मेरा नाम अनिल दत्त है जी। हंसिका मेरी भतीजी है जी। हंसिका शुरू तो बचपन के आपके खेडों के डांस के बड़ी रुचि रखती है। उसके नाल नाल अपनी पढ़ाई के भी पूरा पढ़ाई के भी वधिया चल नंबर लेके आती है। जितने भी डांस कंपीटिशन होता है यह बच्चे हमेशा ही अवार्ड जीत के लेके आई है। अपने शहर का अपने स्कूल का यह नाम रोशन करती है। तो हूँ के एच बी च भी यह 4 राउंड जीत के फाइनल पहुंची है। असं यह दुआ करते हैं कि फाइनल चो भी जित गए, अपने शहर का, अपने माता पिता का, अपने परिवार का, स्कूल का, अपने बठिंडे जिले का नाम रोशन करके आए। धन्यवाद जी।
टेंथ की क्लास इंचार्ज हूँ, हंसिका की क्लास टीचर हूँ। और हंसिका बहुत ही टैलेंटेड लड़की है, पढ़ाई में भी बहुत अच्छी है, और मैं चाहती हूँ कि इसका भविष्य बहुत उज्जवल रहे। और ऑल द बेस्ट हंसिका। इस बच्चे ने हमारे स्कूल का नाम बहुत रोशन किया है, और इसने सारे जिसमें भी भाग लिया है ये फर्स्ट ही आती है उसमें। तो हम फिर दोबारा कर रहे हैं कि ये दोबारा भी जीत के आए और फर्स्ट ही आए, सारे राउंड जिसने पार किए हैं, और हमारे स्कूल का नाम भी बहुत रोशन किया है। ऑल द बेस्ट हंसिका। हंसिका मेरी क्लास में पढ़ती है, और ये हमारी पढ़ाई में हमारे साथ बहुत सहायता करती है। और जो हमने एक राम सीता का एड किया था, उसने भी इसने हमारे साथ बहुत अच्छा किया था, और ये हमारे साथ पढ़ाई में भी अच्छा हमारी सहायता करती है, और ये क्लास में पढ़ाई में भी अच्छा करके दिखाती थी। हेलो एवरीवन, मेरा नाम हिमाक्षी है, हंसिका मेरी फ्रेंड है, हम क्लास में साथ में पढ़ते हैं, और ये हमें बहुत अच्छा डांस भी सिखाती है। इसने क्या कहते हैं, इसमें है कितना दम में, चार राउंड क्लियर कर लिया और ये अब फाइनल राउंड में है। मैं चाहती हूँ कि ये फाइनल राउंड को भी जीत के आए। विश यू बेस्ट ऑफ लक हंसिका। माय नेम इज़ जॉन, मैं टेंथ क्लास में पढ़ता हूँ। हंसिका मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और ये पढ़ाई में भी बहुत अच्छी है। इसमें कितना है दम में, इसने चार राउंड क्लियर कर लिए हैं। फाइनल भी ये जीत के आए, हम दुआ करते हैं और ये अपने माँ बाप का नाम और स्कूल का नाम रोशन करें। बेस्ट ऑफ लक हंसिका, बेस्ट ऑफ लक हंसिका। शो बारे सब तो पहला अपने स्कूल तो पता लग गया सी, और साढ़े स्कूल विच कुछ टीम आई सी, उन्होंने सानू कुछ इनफॉरमेशन दी सी, और उन्होंने कहा सी कि अगर मतलब तुहाडा ऑडिशन अलग अलग स्टेट तो होएगा, और उन्होंने कुछ एनी इनफॉरमेशन दी सी जो कि उन्होंने सानू एक फॉर्म दिता सी जो असी फिल किया, और उन्होंने ऑडिशन बारे सब कुछ बारे उन्होंने अपने नंबर देख के सानू इनफॉरमेशन दी। मेरा फर्स्ट ऑडिशन स्कूल विच होया सी बठिंडा, और सेकंड ऑडिशन भी बठिंडा विच होया सी, और थर्ड ऑडिशन भी बठिंडा विच होया सी, फोर्थ भी बठिंडा विच ही होया सी। हुण मैं फाइनल विच पहुँच चुकी हाँ। मैं अपने बाबा जी अगे अरदास करदी हाँ कि मैं इस शो नूं जीत के आवां, और अपने घर का मम्मा पापा का और अपनी पूरी फैमिली का नाम रोशन करा, और अपने शहर नूं अपने शहर का नाम भी रोशन करा।
श्रीकाल जी, मेरा नाम नरेंद्र कुमार जी, मेरी बेटी का नाम हंसिका जी, मेरे तीन बच्चे हैं मेरे दीपिका और विशाल। मेरी हंसिका बेटी बचपन तो ही नचन टप्पन का बहुत ज़्यादा शौक है इनू। मेरी बेटी अलग अलग थावां ते अलग अलग जिले च खेल चुकी आ और कई प्राइज लै चुकी आ। मेरी बेटी पंजाब दी मिस छेवें भाग चो मिस पंजाबन रह चुकी आ। मेरी बेटी जिवें गिद्दड़वा रामपुरा भुज्जो संगरूर कई थावां ते मेरी बेटी मलोट मिस अपना फर्स्ट कंपीटिशन आई आ। कई थावां तो बहुत ज़्यादा प्राइज लेके आई आ ते सानू खुशी है साड़ी बेटी इन्नी थावां सानू जित चुकी आ। मैं बहुत ही भाग्यशाली हाँ मेरी बेटी इस थान ते पहुंची आ, सानू उस थान ते लेके गई आ। साड़ी किस्मत नहीं सी असी इस स्टेज ते पहुंच गए। मैं आपदी बेटी का आपदे मेरी माँ का धन्यवाद करता। मैं जिन्हें वो दादी है मेरी बेटी की, मैं प्यो हाँ, मेरा भरा ब्रदर चाचा उन्हों का, असी बहुत भाग्यशाली हाँ जिहड़े असी बेटी नूं आपदा नाम रोशन किया मेरी बेटी ने। बेटी का नाम हंसिका है। मेरी बेटी हंसिका नूं शुरू तो ही नचण टप्पण का बहुत शौक सी। वो पढ़ाई विच भी बहुत होशियार है। उसने वख वख थावां ते अपने गिद्दे विच जा के उन्हें बहुत प्राइज विन किए। तो मैनूं बहुत खुशी है जी, वो हर जिथे भी जाती वह प्राइज ही लैके आती है जी। जो फ्री टाइम च वह मेरे नाल घर के कामों में भी बहुत हैल्प करती। तो सानू बहुत खुशी भी सानू एवें दी बेटी परमात्मा ने दी। परमात्मा का लख लख शुक्र है जी। हूँ मेरी बेटी जी KKHD का फाइनल राउंड च पहुँच चुकी है जी। वो फाइनल जीत के ही आवे तो साडा सब का नाम रोशन करे, अपने स्कूल का, अपने शहर का जी, सब का नाम। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਿੱਤਾ ਰਾਣੀ ਹੈ, ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਅਸ਼ਟਾ ਮੇਰੀ ਪੋਤੀ ਹੈ, ਪੰਦਰੇ ਡਿੱਡੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਪੋਤਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ 'ਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਸਭ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਲਾਡਲੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਤਰੀ ਸਾਡੀ ਹੈ।
xylem. Xylem is a complex tissue which transport water and minerals for roots to the other parts of the plant. Name the tissue which transport food in plants, phloem. What is xylem? Xylem is a complex tissue which transport food and water, minerals from roots to the other parts of the plant. Name two substances which enter the root through the root hairs. Water, soluble minerals from soil. What is essence of soap? The process by which water absorbed by the root is carried to aerial part of the plant is called essence of the sap. Name the transport tissue of a body, blood and lymph. Name the three types of blood vessels, arteries, venous, capillaries, etc. Name types of circulation in human body, double circulation involving pulmonary circulation and systematic circulation. Name the fluid medium of body, plasma. Plasma, what is a plasma? Plasma is a hot. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹੰਸਿਕਾ ਦਾ ਚਾਚਾ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ। ਹੰਸਿਕਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਿੱਧੇ ਦਾ ਭੰਗੜੇ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਿੱਧਾ ਜਾਂ ਭੰਗੜੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਬਰਨਾਲੇ ਹੈ, ਮਲੋਟ ਹੈ, ਰਾਮਪੁਰਾ, ਅੰਬਾਲਾ, ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੁੜੀਆ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਫਸਟ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਦੋਂ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਣ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚਾਚੂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਇੱਥੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਗਿੱਧੇ 'ਚ ਜਾਣ ਕੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਫਸਟ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ।
इन्हें जिन्हें भी प्राइज़ जीते है सब तो पहला आके मैनू ही दिखाते हैं। सानू अपनी गुड़िया से बहुत ज़्यादा माण है, लोगों तो अपने पुतों से माण होंगे कि साडे पुत जिहड़े हैगे साडा नाम रोशन कर रहे हैं, पर सानू अपनी धी ते कुड़ी ते माण है जिन्हें साडे परिवार का जिहड़ा नाम रोशन किया है। तो मैं परमात्मा की यही दुआ करता भी सारे दी धीआं इहो जिहे होण जिहड़े कि अपने माँ बाप का अपनी फैमिली का अपने चाचे का चाची का जिहड़ा है दादी का नाम रोशन कर। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵਿਸ਼ਾਲ, ਮੈਂ ਡੀ ਏ ਵੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਮੇਰੀ ਕਲਾਸ ਪਲੱਸ ਟੂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਦਾ ਨਾਮ ਦੀਪਿਕਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੰਸਿਕਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਜੋ ਹੰਸਿਕਾ ਭੈਣ ਹੈ ਉਹ ਗਿੱਧੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਗਿੱਧੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਹਰ ਡਾਂਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਫਸਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਡਾਂਸ। ਉਹਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਟੱਡੀ 'ਚ ਵੀ ਫਸਟ ਜਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਘਰ ਆਉਣ ਸਾਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਬੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਲੂਡੋ ਖੇਡਦੇ ਹਾਂ, ਕੈਰਮ ਖੇਡਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਘਰ ਆ ਕੇ ਮਤਲਬ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅਸੀਂ ਖੇਡਦੇ ਹਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਲੂਡੋ ਵੀ ਖੇਡਦੇ ਹਾਂ, ਕੈਰਮ ਵੀ ਖੇਡਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਫੋਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ, ਅਤੇ ਫੋਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮਾਈ ਨੇਮ ਇਜ਼ ਦੀਪਿਕਾ, ਆਈ ਸਟੱਡੀ ਇਨ SSG ਗਰਲਸ ਕਾਲਜ, ਆਈ ਐਮ ਹੰਸਿਕਾਜ਼ ਐਲਡਰ ਸਿਸਟਰ। ਮੈਂ ਅਤੇ ਹੰਸਿਕਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੜਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੋ ਮਿੰਟ ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਬੈਠ ਜਾਈਏ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੰਸਿਕਾ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਉਸ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੰਸਿਕਾ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲੈਂਦੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਸਮਝਾ ਲੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲੇ ਸੀ ਗਾਣੇ ਲਾ ਕੇ ਨੱਚਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੌਲੀ ਕਰੋ, ਐਂ ਕਿਉਂ ਸ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਗਲੀ ਵਾਲੇ ਬੋਲਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਨੱਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਬਸ ਆਪਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਹੋਈਏ। ਅਤੇ ਹੰਸਿਕਾ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਹੀ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ ਗਿੱਧੇ ਦਾ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨੱਚਦੀ ਟੱਪਦੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਟਿੱਕੇ ਸਾਹ ਲੈ ਲੈ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਹੰਸਿਕਾ ਦੀ ਡਾਂਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੀ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਰੀਲਸ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਫੋਟੋ ਸ਼ੂਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਰੀਲਸ ਸਾਡੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਰੀਲ ਆਪਣੀ ਫਰੈਂਡਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਾਲਜ 'ਚ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਕਿੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਰਸੋਈ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਚਨ 'ਚ, ਅਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਪੰਗੇ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਜੇ ਨੂੰ ਨਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਟਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੈਰਮ ਬੋਰਡ ਵੀ ਖੇਡਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਛੱਤ 'ਤੇ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਵੀ ਖੇਡਦੇ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਗਰਾਊਂਡ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਾਰਕ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਘੁੰਮਣ ਲਈ, ਉੱਥੇ ਝੂਲੇ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਝੂਟੇ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੰਸਿਕਾ ਸ਼ੋਧ ਕੇ KHD ਦੇ 4 ਰਾਊਂਡ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆ ਗਈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਪ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਵੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਹੀ ਆਊਗੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। Thank you.
हाँ मेरी स्टूडेंट हंसिका बारे मैं तुम्हें कुछ दसना चाह रही हाँ। वो केके एच डी शो की विनर हो सकती है और होएगी भी क्योंकि एट दिस प्रेजेंट वो फाइनलिस्ट पहुँच चुकी है ग्रैंड फाइनाले। मैं ये स्टार्टिंग तो गवा रही हाँ क्योंकि जो तो मेरे को आई है उस टाइम तो लैके हूँ तक काफ़ी टाइम हो गया मेरे न जुड़े हुए तो मैं पता है कि इसको किमें सिखाया और इन्नी मतलब इन्नी प्राउड फील करवाती कि जो भी मैं डांटती है मैं कुछ कहनी हाँ ये उस डांट को एज ए टॉनिक यूज करती है एज ए टॉनिक लेंदी है और अपनी होर तो होर होर तो होर अगे करन दी वध तो वध करन दी कोशिश करती है। दूजी गल सर आप अपने कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं कल्चर को इस करके भी गिद्धा जो खत्म हो गया जो बचपन तो लैके आप देखते एक बच्चा कर रहा है तो एक बुढ़ी भी करती है लेकिन ये गिद्धे में ही प्रेजेंट कर रही है एस के एच डी शो च एक गिद्धे को लैके चली है और होप सो मैं विनर कर कोशिश करती हाँ सोचती हाँ दुआ करती हाँ रब अगे कि विन करे और ट्रॉफी लैके जो मेरे को आए उदो भी मैं कह मैं प्राउड फील करती हाँ कि मैं कान्हा डांस अकैडमी की एक इस तरह के स्टूडेंट अगे लैके गई हाँ जो अपने कल्चर को लैके अगे जा रही हैं। असं देख रहे हैं अजक बच्चे अपनी अपनी अलग अलग चीज़ों लैके चल रहे हैं कोई वैसटर्न करने जा रहा है बट आई प्राउड कि मेरी स्टूडेंट गिद्धे को लैके जा रही है पंजाब में लैके जा रही है। बेस्ट ऑफ लक शिवन्या बेस्ट ऑफ लक हंसिका जीत के आना मेरी स्टूडेंट पहला भी विन कर चुकी है और ये भी कुड़ी विन करेगी। फैमिली का थैंक यू करती हाँ जो उन्होंने मेरी पूरी विश पूरी की है और मैं हर लैवल पर सपोर्ट की है। मैं अपने मम्मा पापा थैंक यू करती हाँ और अपनी पूरी फैमिली का भी थैंक यू करती हाँ जो आज तक मैं इतने पहुँच रही हाँ और सिर्फ अपने पेरेंट्स करके या फैमिली करके ही पहुँच रही हाँ। मैं अपना मम्मा पापा और फैमिली का बहुत थैंक यू करती हाँ। करूं बेनती दऊ कर जोरी अर्ज सुनो राधा स्वामी मोरी अर्ज सुनो राधा स्वामी मोरी सत्पुरुष तुम सतगुरु दाता सब जीवन के पिते और माता दे आधार अपना कर लीजिए का
जुग त्रेता द्वापर बीता काहू न जानी शब्द किरीता कल जुग में स्वामी दया बिचारी प्रगट करके शब्द पुकारी जीव काज स्वामी जग में आए बौ सागर से सर दा के एच दी टीम दा जिन्ना ने मैनू अपना टैलेंट दिखाने लई एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया। थैंक यू के एच डी।